गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चिबीडीयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास फर्स्ट की मैथ की बुक का चैप्टर सेकंड, और चैप्टर का नेम है शेप्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की आकृतियाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे हमारे चारों ओर के जो शेप होते हैं, जो आकृतियाँ होती है, उनके बारे में जानेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग शेप्स, निम्नलिखित आकृतियों को पहचानें। ये जो कुछ आकृतियाँ इस चैप्टर में दी हुई है, इन आकृतियों को हमको पहचानना है। तो फर्स्ट है रेक्टेंगल, यानी आयत, जिसको हम हिंदी में आयत कहते हैं। इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, इसमें चार सतह और चार कोने होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये चार साइडें होती है इसमें और चार कोने होते हैं, इसको हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। सेकंड शेप आता है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर यानी वर्ग। इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, इसमें चार सतह और चार कॉर्नर होते हैं, और इसके फ्रंट टू फ्रंट यानी आमने सामने के चारों साइड्स समान होती है, और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट शेप जो है वो आता है ट्रायंगल, यानी जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसके थ्री यानी तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। इट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर, और इसमें तीन साइड और तीन कॉर्नर होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें तीन साइड्स और तीन कॉर्नर होते हैं। नेक्स्ट शेप जो है वो आता है सर्कल, यानी वृत्त। इट हैज़ नो कॉर्नर्स, और इसमें कोई भी कोने नहीं होते हैं, ये गोल आकृति होती हैं जिसमें कोई भी कोने नहीं होते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेप है वो आता है ओवर, यानी अंडाकार। इसका जो शेप होता है, इसकी आकृति होती है, वो एक अंडाकार होती हैं। इट हैज़ नो कॉर्नर्स, और इसमें कोई कॉर्नर यानी कोई कोने नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट ए, कलर द ट्राइंगल रेड, द स्क्वायर ब्लू एंड रेक्टेंगल्स ग्रीन, द सर्कल्स येलो एंड द ओवल्स ऑरेंज। यानी हमको ट्राइंगल यहाँ पे नीचे को शेप दे रखे हैं, इनमें से जो ट्रायंगल है उनमें हमको रेड यानी डार्क कलर से इनको कलर करना है। स्क्वायर है उसको हमको ब्लू कलर से करना है, रेक्टेंगल है इनको ग्रीन यानी हरे कलर से, और सर्कल है इनको येलो कलर से, एंड द ओवल्स ऑरेंज, और जो अंडाकार शेप है उनको हम ऑरेंज कलर से हमको रंगना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल। तो इन आकृतियों में कितने ट्रायंगल हैं वो हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रायंगल है जिसको हम रेड से करना है, ये देखिए। सेकंड ट्रायंगल, थर्ड एक ट्रायंगल यहाँ पे, फोर, फाइव, ये यहाँ पे एक, सिक्स, सेवन और एट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एट ट्रायंगल दिए हुए हैं, और इन ट्रायंगल में आपको रेड कलर से इनको कलर करना है। अब देखते हैं हम स्क्वायर, जिनको ब्लू कलर से हमको कलर करना है। तो इन शेप में हम स्क्वायर को ढूंढते हैं। तो ये फर्स्ट स्क्वायर,
जिसको हमको द्व्यूह यानी निधे करण से करण करना है। तो ये फर्स्ट, और देखते हैं हम एक यहाँ पे है स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें दो स्क्वायर है तो इनको आपको द्व्यूह करण से करण करना है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल यानी आयत। तो इन शेप में फर्स्ट जिसको हमको ग्रीन ग्रीन कलर से हमको इसको कलर करना है। सेकंड एक शेप यहाँ पे, थर्ड फोर फाइव और सिक्स। तो इसमें सिक्स रेक्टेंगल है तो आपको इनको ग्रीन कलर से कलर करना है। द सर्कल येलो, और जो सर्कल यानी वृत्त है उनको हमको येलो कलर से कलर करना है। तो देखते हैं इन शेप में कौन कौन से सर्कल है। ये फर्स्ट येलो, सेकंड सर्कल जो दे रखा है, सेकंड थर्ड सर्कल और। तो डियर स्टूडेंट्स, में थ्री सर्कल हैं, इनको आपको ये दो कलर से कलर करना है। अब देखते हैं हम ऑरस, जिनको हमको ऑरेंज कलर से। तो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये थर्ड जो ओवर्स हैं इनको हमको ऑरेंज कलर से कलर करना है। अब बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। कलर द स्क्वायर्स येलो, द ट्रायंगल्स रेड, द रेक्टेंगल्स ब्लू एंड द सर्कल ग्रीन इन द गिवन फिगर्स। और जो ये फिगर दे रखे हैं इनमें स्क्वायर का जो शेप है उसमें हमको येलो कलर करना है, ट्रायंगल में हमको रेड कलर करना है, और रेक्टेंगल में हमको ब्लू कलर करना है, और सर्कल जो उसको ग्रीन कलर से हमको कलर करना है। तो हम देखते हैं स्क्वायर। प्रिय स्टूडेंट, इसमें स्क्वायर, ये एक पूरा स्क्वायर है, इसको आप देख सकते हैं, इसको हमको येलो कलर से कलर करना है। और एक और ये है सेकंड, इसको भी हमको ये दो कलर से कलर करना है। अब आता है ट्रायंगल। अब हमको ट्रायंगल देखना है, तो इसमें फर्स्ट ट्रायंगल जिसको हमको रेड कलर से करना है, सेकंड, थर्ड और फोर। इसमें जो है चार ट्रायंगल, फोर चार ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इनको आपको रेड कलर से कलर करना है। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल, जिनको हमको ब्लू कलर से कलर करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल जिसको हमको ब्लू कलर से करना है, सेकंड, थर्ड, एक यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, और एक ये पूरी आकृति है ट्यूबेर, जिनको हमको ब्लू कलर से कलर करना। अब देखते हैं हम सर्कल, जिनको हमको ग्रीन कलर से कलर करना है। तो ये फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सेकंड, और ये आता है थर्ड, जिनको हमको ग्रीन कलर से इनको कलर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट है इसका, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें।